गुरुग्राम के लोगों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। रेलवे स्टेशन पार की कॉलोनी राजेंद्र पार्क क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक कंपनियां हैं और वहां पर शमशान घाट स्टेशन के इस तरफ भीमगढ़ खेड़ी में लगता है। ऐसे में वहां से लाइन पार करके आने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इस समस्या का एकमात्र समाधान अंडरपास है। इस अंडरपास को बनाने की मांग को लेकर वार्ड 11 क्षेत्र के पार्षद योगेंद्र सारवान ने विधायक सुधीर सिंगला को लिखित में मांग पत्र सौंपा। धर्मवीर बागोरियापुर नगर पार्षद, क्या समस्या विधायक जी के पास आप आए हैं? समस्या पहले भी काफी हमारे विधायक जी ने हल की है, प्रजापति चौपाल बनाई है, महाराजा दस प्रजापति चौक का नाम रखा है और हमारी गलियां पक्की की हैं। हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रधान वगैरह सब आए हैं विधायक जी का धन्यवाद करने के लिए और 1 तारीख का उनका अभिनंदन समारोह करेंगे दस प्रजापति चौक पर। और आगे हमारी 36 बिरादरी की चौपाल है मनोहर नगर के अंदर, उसको 3 मंजिला बनवाने के लिए विधायक जी से आग्रह करने के लिए हम सभी पहुँचे हैं। इससे पहले कितनी समस्या जो लेके आए थे, हम हल हुई आपकी समस्या? जो विधायक जी के सामने हम समस्या रख देते हैं वो पूरी हल होती है हमारी। जैसे मनोहर नगर की दक्ष प्रजापति चौक का नाम का उद्घाटन, प्रजापति चौपाल और सड़कें गलियां पक्की कराना, लाइटें लगवानी, पोल लगवाने, ये सभी माननीय विधायक जी ने हमारी सभी समस्याओं से निजात दिलाया है और आगे भी हम समस्या बताते रहेंगे और हमारी उम्मीद है पूरी उनका हल निवारण होता रहेगा। देखिए आज लगभग 400 से 500 लोग आ गए हैं और समस्या जो है एमसीजी के ज़्यादा मिली है मेरे को। वैसे तो मुझे बिजली बोर्ड की भी मिली है, मुझे पुलिस की भी मिली है, लेकिन वो थोड़ी सी कम मिली है, लेकिन एमसीजी के खिलाफ ज़्यादा मिली है। और मैं तो निदान जो है ना मौके पे करा देता हूँ, मैं पेंडिंग नहीं रखता। एक कंप्लेंट जो है वो रखी है मेरे पास पेंडिंग जो है वो, लेकिन मैं तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ना मिले टेलीफोन तो मैं उन आदमी को बिठा लेता हूँ। जैसे अभी 5 आदमी बैठे हुए हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कभी अफसर से बात हो जाए और उनको वहीं तुरंत हाथ के निदान हो जाए। तो ये एमसीजी के जो अधिकारी हैं इनकी लापरवाही आपके सामने क्यों आती है विधायक जी, क्या समझते हैं, क्या कुछ इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? लेकिन लापरवाही तो मुझे थोड़ी बहुत नजर आती है, लेकिन ना जनता भी हमारे यहाँ की गुड़गांव की इस तरीके से है, जब हमारे को काम पड़ता है जब ही जागती है वो, तो इसीलिए लापरवाही तो नहीं बरते कहेंगे वो, लेकिन जैसे उसको काम पड़ा जब ही वो चेती, जैसे मेरे आईडी बनानी प्रूफ बनाना है तो मैंने अब आ गया रूटीन में रख लिया, जब जमा कराने गया जब देखा गया तो गलत आ गया वो, तो इस तरीके से है। लेकिन मैं फिर भी ऑफिसर्स का जो है वो ठीक सहयोग मिल रहा है और ठीक काम कर रहे हैं। विधायक जी आपने आज जनता दरबार का आयोजन किया है, महीने में कितनी बार इस तरह का आयोजन किया जाता है? देखिए हर फ्राइडे को तो मैं बैठता ही बैठता हूँ, महीने में 4 फ्राइडे यहीं बैठता हूँ। और वैसे दरबार जो है अपने मैंने कल कन्ही गांव के अंदर लगाया था, जिसके अंदर लगभग 135 के करीब प्रॉब्लम आई थी और 130 के प्रॉब्लम के करीब हमने हाथ किया थी, वहाँ पर निदान करा दिया था।